नहीं देखा मेरे को। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह देख लीजिए, टाइम 6 बजे। तो गाइस अभी मैं एयरपोर्ट के पास पहुंच ही चुका हूं भाई को छोड़ने। भाई इधर बैठा है और मैं इधर बीजू पटनायक एयरपोर्ट के पास आके पहुंच गया। अब इसको गोल पूरा सर्कल घुमा के राइट साइड जाना है। ये पूरा ऐसे गोल घुमाएंगे अभी, गोल गोल गोल, ये गोल 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 गोल, ये बाबरे इतना बड़ा होम्स, माँ कसम का चैक। पूरा स्ट्रेट अबे नाना देख तो देख, ए भाई गलत गलत। तो मॉर्निंग, सुबह सुबह आके पहुंच गया, अभी टाइम हो रहा है 6:20 दिखा रहे हैं, 6:30 आके पहुंच गए इधर एयरपोर्ट के पास है। कितना लंबा लाइन देख रहे हैं, तो लंबा चौड़ा भीड़ है। और एरोप्लेन टिकट देना पड़ती है, भाई को छोड़ेंगे फिर आ जाएंगे। तो गाइस फाइनली एयरपोर्ट में आके पहुंच गया, पहुंच के अभी भाई को छोड़ दिया। भाई अभी भाई और मम्मी जा रहे हैं अंदर, मैं अंदर गए ही, सिक्योरिटी के पास खड़े रहेंगे, बस छोड़ देगा भाई, चलाएगा वहाँ से, अलविदा बोलाएगा, अलविदा गुड बाय गुड बाय वो होगा, गुड बाय। तो भाई जा रहा है, आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ देखेंगे फिर छोड़ेंगे अंदर। तो गाइस अभी हम लोग इधर हैं स्वीट्स दुकान में, ओ एक दादी माँ के लिए लेके जाएंगे थोड़ा, और दादी माँ भी हम लोग के साथ जाएंगे जसपुर रोड। तो हम लोग नंदनकानन भी जाने का प्लान बन चुका है, नंदनकानन जाएंगे घूम के थोड़ा आएंगे। तो मम्मी के साथ और थोड़ा मार्केटिंग कर लेता हूँ, क्या क्या सामान चाहिए तो खरीद लेता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं पटिया, मेरा कुछ एक दो ठो सामान लाना है मेरा दोस्त से, वहाँ से लेकर उस गली से वो वाला रास्ते से हम लोग कटक, कटक से जसपुर रोड चले जाएंगे और नंदनकानन जाएंगे नहीं। तो अभी मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं पहुँच जाता हूँ पटिया में, वहाँ पहुँच कर आप लोगों के साथ मिलता हूँ, नहीं तो फाइन लग जाएगा खाली पॉकेट का। फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं XIM यूनिवर्सिटी के पास हो चुके हैं, और तीन या चार ठो ट्रैफिक के बाद हम लोग पहुंचेंगे पटिया। तो मैं आप लोगों को पटिया पहुंच के ये करता हूँ, ट्रैफिक में नहीं तो पुलिस पकड़ेगा मुझे। फ्रेंड्स अभी हम लोग पटिया से निकल गए, मेरा जो सामान था दोस्त के पास, आकाश के पास जो था, मैं वो सामान ले लिया, जूता और मेरा टॉवल लेकर अभी जा रहे हैं गोपालपुर होके निकल जाएंगे, और नंदनकानन रोड से नहीं जाएंगे, सीढ़ी वीडियो के अंदर घुस के बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग गोपालपुर के रास्ते से निकल के चले जाएंगे घर, वहाँ भी बहुत सारा काम है। तो वहाँ पहुँचता हूँ, कटक पहुँच के तुमको आप लोग के साथ मिलता हूँ कटक पहुँच के। तो गाइस अभी हम लोग नंदनकानन के पास हो चुके हैं,
और देखिए कितना भीड़ है। बट हम लोग नंदनगंज जाएंगे नहीं, हम लोग स्टेट पर अभी चले जाएंगे। पूरा सा जैसे सिटी है, त्रिशूल है देख के त्रिशूल देखे हम लोग निकल जाएंगे, कटक के ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम लोग कटक रोड में जाने वाले हैं और थोड़ी देर में कटक रोड पहुंच जाएंगे हम लोग। कटक रोड होने के लिए जा रहे हैं, अभी कटक रोड घुसेंगे। 3 2 ये 1 पहुंच गया, कटक रोड में घुस गया। ब्रिज देख के कटक, कटक के ब्रिज देने के बाद थोड़ा सा नारियल फरियल पियेंगे फिर जाएंगे। नारियल पियेंगे अभी नारियल, बस ये है ब्रिज। ये पानी भी रोको, बे साइड करो, इधर पकड़ दो बस। कुछ सामान भी फेंकना है भगवान का पानी में, तो अभी गाड़ी में इधर रुकूंगा। इंडिकेटर देखकर, पार्किंग का इंडिकेटर देखकर मैं अभी गाड़ी को रुकूंगा। तो गाइस, तेल में हम लोग जाजपुर से पूरी घूमने के बाद भुवनेश्वर में थोड़ा गाड़ी घुमाए। 2000 का तेल कल खाया था टोटल, और अभी 1500 डाल के आए हैं। सिर्फ आधा खुंटी का थोड़ा सा नीचे हुआ है, और मम्मी अभी डालेगी। और भगवान का सामान पानी में डाल दी, भगवान का सामान पानी में डाल दी। अभी हम लोग निकल जाएंगे, डायरेक्ट निकलेंगे, अभी निकलेंगे। लो पकड़ो एंड गियर, नीचे फर्स्ट गियर, और ये चले हम लोग। और इंडिकेटर भी बंद, तो चलते हैं। अभी पहुंचने के बाद हम लोग का कुछ प्लान है दोस्त लोग के साथ उधर, तो वहाँ जाकर पहुँचता हूँ, आप लोग को मिलता हूँ रास्ते में। कार नहीं, नहीं नहीं कोई कार बार नहीं। तो हम लोग फ्रेंड्स नारियल के पास में आप लोग को डायरेक्ट मिलता हूँ, जहाँ हम लोग नारियल पियेंगे वहाँ आप लोग को मैं मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग छतिया हो चुके हैं, सर छतिया क्रॉस करके चंडीगढ़ हो गए, जस्ट अभी चंडीगढ़ हुए हैं। और चंडीगढ़ में थोड़ा नारियल वारियल पियेंगे, देखते हैं कहाँ अच्छा नारियल मिलेगा चंडीगढ़ के साइड में, तो नारियल पी के निकलेंगे। तो मैं गाड़ी रोकने के बाद आप लोग को मिलता हूँ। तो हम ये भैया के पास नारियल पियेंगे अभी, और कहीं है और किधर भी नहीं था, इसलिए हम लोग इधर ही पियेंगे नारियल। नाड़ी वाला नारियल चंडीगढ़ में है, अभी हम लोग पी के निकल जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:30 सॉरी 10:50 हो रहा है अभी टाइम, वही घर पहुँचते से हो जाएगा 11:30। तो आइए फ्रेंड्स मिलके नारियल पीते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ चंडीगढ़ से निकल के जरा का क्रॉस कर चुके हैं। अभी 12:00 होगा, 12:00 के बाद होगा कुआखिया, कुआखिया के बाद पानी कोयली, और 3 स्टॉपेज के बाद जाजपुर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो मैं 12:00 होके आप लोग को बोलता हूँ। तो अभी हम लोग 12:00 में हैं, तो मम्मी तरूज जो वाटर मिलन का रेट पूछ रही है, वाटर मिलन कितना कितना है। दो टाइप का आता है ना वाटर मिलन, एक तो गोल होकर और एक तो लंबा होकर आता है। तो अभी वो रेट कर रही है मम्मी बैठ के। तो ये गोल वाला है 25 बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं नहीं ये 25 है, वो 18 है। वेट करके मम्मी बार्गेनिंग करके लेके जाएगी। 12:00 का स्टार्टिंग में हम लोग हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में। तो यहाँ से निकल के इसका 12:00 के बाद होगा। तो मुझे सुबह से नहीं देखे होंगे ना,
तो गाइस अभी बाराटी हुआ है, बाराटी के बाद हम लोग जाएंगे सीधा कुआखिया, कुआखिया के बाद पानीकोली, पानीकोली का जस्ट रोड, मतलब और दो स्टॉपेज का जस्ट रोड हो जाएगा, और एक या दो स्टॉपेज का जस्ट रोड हो जाएगा। अभी तो बाराटी में है, पहुँच जाएंगे और थोड़ा देर में, तो मिलके मैं आप लोग को पानीकोली होके आप लोग के साथ मिलता हूँ। तो गाइस और एक बात याद आया कि भुवनेश्वर में जो गर्मी, माँ कसम अलग लेवल का टेम्परेचर है। मैं सुबह का 6 बजे लेकर जब भाई को छोड़ने के लिए गया एयरपोर्ट, उस टाइम जो गर्मी लिटरली मैं गाड़ी का एसी काम नहीं दे रहा था। मैं परसों ही गाड़ी का मतलब एसी गैस फुल करके लाया और भुवनेश्वर में बिल्कुल काम नहीं किया, इतना जोर का टेम्परेचर है, बाप रे बाप। सुबह का 6 बजे, अभी तो हम लोग निकलने वाले हैं, मम्मी बैठ चुकी है गाड़ी में, तो निकलते हैं। मैं तो छाई में आके खड़ा रह गया, धूप में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतना जोर का पूरा गर्मी जो लग रहा है ना, पूरा वीक लग रहा है शरीर। ऊपर से कल इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग किया, फिर आज भी ट्रैवलिंग है कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में क्या बोलूँ। और तो निकलते हैं, पानीकोली होके आप लोग को मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम जोगा बोड़िया में हैं, पानीकोली जोगा बोड़िया के लस्सी में हम दोनों मम्मी और मैं अब पीऊँगा, और पीछे आई माँ बैठी है, वो मना की कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा, तो आई माँ से मिला दो। माँ हाय कह, मुझे हाय कह, हाय कह। तो माँ ने बोल दिया हाय, आई माँ ने बोल दी हाय, तो उस हाय के चक्कर में यदि इतना प्यार दिखा पाओगे, जितना प्यार दिखा पाओगे तो आप लोग दिखाइए, जितना प्यार आप लोग दिखा सकते हैं उतना प्यार दिखाइए, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी टाइम हो रहा है 11:40, तो पहुँचते हो जाएगा घर, अभी पहुँचा से 12:10 आराम से पूरा धीरे धीरे आया, बूढ़ा लस्सी पियेंगे फिर निकल जाएंगे। तो आप लोग हम लोग के साथ आइए और लस्सी पीते हैं, उस टाइम नारियल पिए थे, अभी थोड़ा लस्सी पियेंगे, आइए। तो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, मैं आकर 1 बजे आकर यहाँ पहुँच गया, बोला था 11:30 या 12 बजे पहुँच जाऊँ, बट पानीकोली में लस्सी से पी के दादी माँ को वहाँ छोड़ दिए, मायके एक जगह मायके घर में लेके छोड़ दिए, छोड़ के आए 1 बजे आकर पहुँच के रेस्ट ले रहा था। अभी दोस्तों का फ़ोन आया, जाएंगे हम एक जगह, फिर शाम को भी एक तो सरप्राइज़ है, एक जगह फिर से मुझे जाना पड़ेगा, मतलब फिर से हम लोग जाएंगे और जाके रात को ही एंड हो जाएगा ब्लॉग, तो ये वाला ब्लॉग अपलोड हो जाएगा आपका, ये वाला सेकंड पार्ट का ब्लॉग है, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा ठीक 10 तारीख का शाम को मिल जाएगा ये ब्लॉग आपको। तो आप लोग को यदि आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट और सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, और आप लोग को मेरे तरफ से आपके तरफ से मुझे जितना प्यार हो सके उतना दीजिए जो भी है, बट जरूर दीजिए। गाइस अभी हम लोग ब्राह्मणी स्विमिंग पूल में है, तो बबुल है और विश्व इधर शायद कहाँ गए पता नहीं, और पीछे देवा है, ये लोग आ रहे हैं हाफ पैंट पहन के और मैं चड्डी पहन के, और ये लोग उधर है इधर इधर, लेट्स फॉक वाओ व्हाट इंग्लिश। ओ अभी हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे हैं, वाओ थोड़ा घूम जाइए सबका, हाय पसो, हे।
फ्रेंड्स मैं अभी आया हूँ काकेदा मीरार में। इसका रेटिंग मैं बहुत अच्छे से देखा हूँ और बहुत अंदर का जो डिज़ाइन है वो अलग टाइप का है और बाहर का ये अलग फुल्ली डिज़ाइन है। और मैं भुवनेश्वर आया हूँ भाभी को छोड़ने। सुबह बहुत कुछ काम ख़त्म करके रात में अभी निकल के आया हूँ, 8:30 बजे निकल के। अगर टाइम हो रहा है 10:30 होने वाला है, तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं अभी। ट्रक के ऊपर ऐसे रेस्टोरेंट बना दिए हैं, बस वहाँ बैठ के ऊपर बैठ भी खा सकते हैं, बैठ कर छोटा सा रेस्टोरेंट है। और ये भाभी यहाँ बैठ कर भी ऑर्डर देंगे। बैठे चलो तो वहाँ एक तो काज गिरा था, खून निकाल दिया, छोटा सा गिरा था एक टोका जो घुस के खून निकाल दिया मेरा। ये बाथरूम का सीन है, गाइस ये काकेदा मीनार। टाइम हो रहा है 10:30, हम लोग 10:25 में एंट्री किए और मैं वीडियो पूरा ले लिया हर एक कोने का। और हम लोग खाना भी ऑर्डर देंगे और टेस्ट करके बोलेंगे आप लोग को कैसा लगा ये वाला। और ये आप लोग देख लीजिए और एक बार अच्छे से आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइज इसी बात में थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार करना मत भूलना गाइज। और ये वाला जो ट्रक है ये फुल एक तो ट्रक है, ट्रक के ऊपर ये वाला एक तो रेस्टोरेंट है, छोटा सा बैठने का बनाए हैं वो लोग। तो भाभी और मैं ऐसे यहाँ ऐसे सीट ऐसा बैठ के और खाएंगे अभी इधर, तो टेस्ट करके आप लोगों को बोलते हैं। तो वहाँ थोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक्स देते हैं उधर, वो वाला जो घर है ना छोटा सा वाला सॉफ्ट ड्रिंक का जगह है। और हर एक कोना का हम लोग फोटो शूट करेंगे भी, हर एक जगह में बैठ के फ़ोटो शूट होगा। तो आप लोग को मैं खाना ऑर्डर देने का तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। दियाला हम लोग का पहला था मसाला पापड़, ये ऐसा ला के ये लोग दिए हैं मसाला पापड़ को। मसाला पापड़ के बाद क्या आता है हम लोग देखते हैं। तो भाभी अभी ये ले लेंगे मसाला पापड़, टूटा हुआ हर जगह से ले लिया भाभी। अभी मैं लूँगा और भैया को दे दूँगा। तो चलो गैस मसाला पापड़ खा के बताता हूँ आप लोग को कैसा लग रहा है। चलो भाभी से पूछ लेते हैं, भाभी कैसा लग रहा है मसाला पापड़? अच्छा लग रहा है, सच्ची में बोलो। भाभी तो बात करें, ठीक है मैं आपको लोग को खाने का बात बोलता हूँ मसाला पापड़ खाने का बात। गाइस देखिए कितना बड़ा थाली दिए हैं भाई, इतना बड़ा थाली माँ कसम बहुत बड़ा रहा। और स्टार्टिंग में पहले ये चारों चीज़ दिए फिर ये मसाला पापड़ लाए, फिर ये थाली ला के अभी दिए हैं भाई, कितना बड़ा रहा थाली है भाई। तो मसाला पापड़ खा के मैं आप लोग को बोलता हूँ। नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, मतलब ज़्यादा जैसे होता है ना कड़कड़ उस टाइप का नहीं बनाए हैं, अच्छा लग रहा है। तो मेन मेनू आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये लोग सर्व किए हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए और मैं यार ख़त्म कर लेता हूँ।
पनीर तो गाइस मैं खाता नहीं हूँ, भाभी के लिए सिर्फ पनीर आया था, भाभी के लिए और भैया के लिए। मेरा सिर्फ मशरूम और नान, बस यही दो ही चीज खाऊंगा। तो भैया को सॉल्व कर दे दीजिए। भैया सब कुछ सर्व करने के बाद मैं खाना शुरू करूँगा, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, सब देख लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स भैया ने सर्व कर लिया, तो अब मैं खाना खाने के बाद आप लोग को मिलता हूँ। तो भाभी बोल रहे हैं चलेगा, तो मेरा हिसाब से मेरा भी दौड़ेगा। समझ में आया गाइस, आप लोग समझ गए भी होंगे बहुत अच्छे से। तो मैं खाना खाने का तो आप लोग को मिलता हूँ। तो लास्टली फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम लोग का आया है ब्लू कलर का स्ट्रॉ, उठाऊँगा डालूँगा और मसाला कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँगा। तो आप लोग को फ़ोटो उठाने के बाद, फ़ोटो शूट करने के बाद आप लोग को मैं मिलता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाहर जाके क्या कौन सा टेस्ट अच्छा, कौन सा अच्छा लगा, कौन सा थोड़ा ये लगा तीखा लगा, सब मैं आप लोग को बोलता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी हम लोग का बिलिंग होगा, अभी हम लोग बिलिंग होगा, बिलिंग होने का तो एक एक फ़ोटो उठाऊंगा मैं हर जगह हर एक कोने में, फिर बाहर जाकर आप लोग से मिलता हूँ। तो गाइस देख लीजिए, भाभी फीडबैक दे रहे हैं, क्या क्या लिख दिया इंग्लिश में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, गुड नॉट गुड पुअर क्या क्या मार रहे हैं कुछ। तो भाभी ने अपना फीडबैक दे दिए। तो गाइस यही हम लोग का खाने का सब कुछ ये था, और हम लोग का ये बिल हुआ टोटल 1323 टोटल हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वहाँ से खा के निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं खंडगिरी, यू टर्न मार के जाएंगे। तो चलते हैं खंडगिरी में, आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ।